ओके, तो भाई आज का वीडियो नेक्स्ट लेवल का होने वाला और हम लोग बहुत सारे टॉपिक को आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल अरविंद की तरफ से निकल कर सामने आता है, जिनका सवाल है कि नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन कौन होना है फिन बैलर और डेवन प्रिस्ट के बाद। भाई देखो, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है फिन बैलर और डेवन प्रिस्ट के बाद आपको कोई अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन आपको बनते हुए दिखने नहीं वाला, क्योंकि भाई जो रिपोर्ट है उससे पहले डब्ल्यू वाले रॉयल रंबल से पहले इन दोनों के चैंपियनशिप को स्प्लिट करने वाले। जैसे डब्ल्यू वाले इन दोनों को चैंपियनशिप को स्प्लिट करेगी, एक चैंपियन स्मैकडाउन के ऊपर रह जाने वाला, एक चैंपियनशिप मंडे नाइट रॉ के ऊपर चला जाने वाला। हाँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ भाई, जो भी चीज होगा भाई एक्चुअली रॉयल रंबल से पहले सारा चीज होने वाला है। देखते हैं डब्ल्यू वाले इसे कब इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही जल्द जजमेंट डे का भी ब्रेकअप होने वाला, ऐसा रिपोर्ट का भी कहना है। आप लोग अभी बिलीव करो, आपको जजमेंट डे के अंदर आपको बहुत सारे कमाल की चीज आपको देखने को मिलने वाला है एक से दो मंथ के। डेवन प्रिस्ट का आपको मनी इन द बैंक कैशिन देखने को मिल सकता है, जो कि मेरे ख्याल से भाई शायद से कैशिन फेल होने वाला। इसके अलावा भाई डेवन प्रिस्ट और फिन बैलर भी बहुत ही जल्द अपना टैक्टिक चैंपियनशिप को हारने वाले हैं, ऐसा भी रिपोर्ट आया। भाई सारा चीज होगा, आप लोग बस थोड़ा सा वेट, लोग देखते हैं कौन सा टीम मतलब इनको हराता है। अगर हम लोग करंट टाइम में बात करें तो भाई थोड़ा सा स्ट्रीट प्रॉफिट जो कि बॉबी लेस्ली का टीम है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। तो एक चैंपियनशिप तो भाई मेरे ख्याल से शायद से बॉबी लेस्ली के टीम के ऊपर जाने वाला स्मैकडाउन। करीब तीन से चार मंथ पहले से ऐसा रिपोर्ट भी आ रहा था कि डब्ल्यू वाले चैंपियनशिप का डिजाइन भी चेंज करने वाले। भाई आप लोग समझ सकते हो रिपोर्ट तो बहुत सारा है, पर डब्ल्यू वाले अभी तक किसी भी चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया। मेरे ख्याल से भाई आप लोग एक से दो मंथ वेट करो, आपको एक ही साथ आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा, आपको सच में बहुत मजा आएगा। हां, मैं आपको फिर से बता देता हूं भाई, डब्ल्यू वाले इन दोनों के चैंपियनशिप को फिर से स्प्लिट करने वाले, ये चीज 100%। इसके बाद नेक्स्ट सवाल एट द रेट यूजर की तरफ से निकलकर सामना है, जिनका सवाल है कि क्या एज डब्ल्यू कंपनी के अंदर हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो भाई देखो, अगर हम लोग एज का, अगर हम लोग उम्र के बारे में बात करें तो भाई करेंट टाइम 50 ईयर के एज ऑलरेडी हो चुके हैं, और करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनका एडब्ल्यू कंपनी के साथ साइन हो, मतलब भाई 53 के एज तक ये रेसल करने वाला एडब्ल्यू कंपनी के अंदर। तो भाई मेरे ख्याल से ये चीज आपको खुद से सोचना हो कि क्या एज 53 के एज में भी रेसल कर सकते हैं, अगर ये चीज पॉसिबल है तो शायद हमें देखने को मिल सकता है। वैसे जहां तक मेरा मानना है भाई, इनका सारा रिवलरी सारा चीज डब्ल्यू कंपनी से खत्म हो चुका है, फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर एज देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, पर हाँ इस तरीके का उनका रन नहीं होने वाला। जो रेसलिंग कैरियर का जो रिटायरमेंट जो एज लेने वाला भाई, ये चीज कंफर्म है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ही लेने वाला। उन्होंने खुद इस बात को बोला था कि भाई वो अपना आखिरी मैच क्रिश्चियन केज के साथ रेसल करना चाहते हैं। अभी तो फिलहाल वो क्रिश्चियन केज के अगेंस्ट है, पर हाँ बहुत ही जल्द क्रिश्चियन केज के साथ में भी काम करेंगे। तो भाई मेरा जवाब बहुत सिंपल है, इनका चांसेस बहुत कम है, पर हाँ देखने को मिल भी सकते हैं यार एक आध दो मैच रेसल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग वर्ल्ड की तरफ से निकलकर सामना है, जिनका सवाल है कि क्या गोल्डबर्ग अपना रिटायरमेंट मैच रेसल करने के लिए WWE कंपनी के अंदर आ सकते हैं फिर से। देखो, आज के एक या दो मंथ पहले कोई भी बंदा अगर इस बात को बोलता है कि CM Punk WWE कंपनी के अंदर आने वाले हैं, तो भाई कोई भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि CM Punk का जो भाई पास्ट रह चुका है सच में बहुत बुरा रह चुका है, किसी को भरोसा नहीं था भाई ये बंदा आने वाला है। WWE कंपनी के अंदर एक जो लाइन बोला गया नेवर सी नेवर, तो मतलब भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात का कोई गारंटी ही नहीं है। अभी तक अगर हम लोग बात करें तो भाई सारा मामला सही है, गोल्डवर मतलब AEW कंपनी के अंदर करंट टाइम में नहीं गए। भाई मैं आपको बता दूं, जब तक गोल्डवर AEW कंपनी के अंदर नहीं जाते हैं तब तक मतलब इनका चांसेस होगा कि WWE कंपनी के अंदर शायद से आ सकते हैं। वैसे भाई अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई गोल्डबर्ग का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता, इनका कोई ड्रीम राइवलरी भी बचा नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। एक रोमन रेंज के साथ था मतलब सारे फैंस का ड्रीम मैच की रोमन रेंज वर्सेस हमें गोल्डबर्ग देखने को मिले, जो कि ऑलरेडी हो भी चुका है। भाई मुझे नहीं लगता डब्ल्यू वाले मतलब $3 मिलियन देखो गोल्डबर्ग को फिर से बुलाने वाले और इनका एक मैच करवाने वाले। हाँ भाई आप लोग भरोसा रख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल एट द रेट यूजर की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि क्या फ्यूचर में सोलो सिकोवा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे। देखो आज के टाइम पर मेरा ऐसा मानना है कि सोलो सिकोवा करंट टाइम में भाई एक मैच्योर रेसलर नहीं। सोलो सिकोवा आज के जस्ट एक साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपना डेब्यू किए थे मेन रोस्टर ऊपर रोमन रेंज के साथ ही साथ, भाई अभी एक करंट टाइम में कोई भी चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर विन नहीं किया, इनका हमें सिंगल राइवलरी भी बहुत कम देखने को मिला। भाई मेरे ख्याल से अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऑडियंस एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है सोलो सिकोवा। दूसरी बात यह कि भाई रोमन रेंज अभी काफी टाइम तक चैंपियन रहने वाला है, रोमन रेंज को जो बंदा हराएगा वो भी काफी टाइम तक चैंपियन रहेगा। क्योंकि भाई आप खुद सोचो ना, रोमन रेंज को अगर कोडी रोड्स हरा देते, उसके बाद कोडी रोड्स अगर 10 दिन में चैंपियनशिप हार जाएंगे तो भाई पोपट हो जाएगा। जो बंदा रोमन रेंज को हराएगा वो भी काफी टाइम तक चैंपियन रहने वाला, साथ ही साथ रोमर एज से अलग भी डब्ल्यू वाले सोलो सिकोवा को कर नहीं सकती। ऐसा भी नहीं होने वाला कि भाई रोमर एज स्मैकडाउन को पर रहने वाले, सोलो सिकोवा मंडे नाइट रॉ के ऊपर चले आएंगे। तो अभी करंट टाइम में कुल मिलाकर बहुत पेचीदा मामला सोलो सिकोवा के साथ है, सोलो सिकोवा अभी फिलहाल तो चैंपियन बनने नहीं वाले। मेरे ख्याल से भाई आप लोग को एटलीस्ट 2 से 3 साल अभी और वेट करना होगा सोलो सिकोवा को WWE चैंपियन बनते हुए देखने के लिए। देखो ना यार, मैं ये सोच रहा था कि अगर पॉल हेमन अगर सोलो सिकोवा के साथ अलाइन कर लेते तब शायद से सोलो सिकोवा के साथ कुछ अच्छा हो सकता है। रिपोर्ट ये कि सोलो सिकोवा के साथ पॉल हेमन अलाइन नहीं करने वाले, जबकि CM Punk के साथ करने वाले। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप लोग 2 से 3 साल अभी आप लोग आराम से वेट करो, तब आपको सोलो सिकोवा WWE चैंपियन बनते हुए दिखने वाले। सोलो सिकोवा मे बी मिड कार्ड चैंपियनशिप शायद से विन कर सकते हैं, उसका मैं नहीं बोल रहा हूं, पर हां मेन टाइटल ये विन अभी फिलहाल नहीं करने वाले। आज के अगर हम लोग 20 साल पहले का बात करें तो भाई चैंपियनशिप किसी भी रेसलर के लिए वैल्यू नहीं करता था, क्योंकि भाई स्टोरी लाइन बड़ा कमाल का होता। पर अगर हम लोग आज का बात करें तो भाई जिसके पास चैंपियनशिप नहीं है मतलब वो रेसलर बिल्कुल लोल है। आप लोग खुद याद करो ब्रॉक लेसनर का रिवाइवल जब ट्रिपल एच के साथ था या फिर जब जॉन सिना के साथ था, तो उसमें कोई भी चैंपियनशिप इन्वॉल्व नहीं, पर उसके बावजूद भी इन्होंने कितना कमाल का स्टोरी लाइन दिया है, मतलब मेरे ख्याल से सारे लोगों को पता ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट
सवाल रामादन के तरफ से निकल कर सामने आया था, जिनका सवाल है कि क्या शील्ड का हमें रियूनियन देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा। तो देखो इस सवाल का जवाब मैं आपको कई बार स्पष्ट बता चुका कि भाई आपको शील्ड फिर से देखने को कभी भी नहीं मिलने वाला। आज करेंट टाइम बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आ सकते हैं तो भाई शायद से डीन एम्ब्रोस भी देखने को मिल सकते हैं। पर भाई डीन एम्ब्रोस का केस अलग है, डीन एम्ब्रोस खुद ही नहीं चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आना फिर से। मैं आपको बताता हूं, मैं डेली रिपोर्टिंग करता हूं, मैं डेली न्यूज कवर करता हूं, पर भाई आज तक कभी भी डीन एम्ब्रोस की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आया। डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ने के बाद किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर कभी भी मतलब इंटरव्यू के अंदर कभी भी शील्ड के बारे में बात ही नहीं किया। सेथ रॉलिंस को हम लोगों ने कई बार करते हुए देखा, रोमन रेंस को हम लोगों ने कई बार करते हुए देखा, पर भाई डीन एम्ब्रोस वो बंदा जिसका मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब अपना मस्त है अपना दुनिया। और ऐसे ही भाई डीन एम्ब्रोस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अगर आते हुए तो भाई ये 6 साल बाद आएंगे। तो भाई इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको रोमन रेंस 6 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई बिल्कुल क्लियर जवाब, आपको शील्ड आपको कभी भी देखने को नहीं मिल सकता, कभी भी देखने को नहीं मिल सकता। टाइम पर मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि आपको ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच आपको फिर से देखने को मिल सकता है, पर भाई डीन एम्ब्रोस का रिटर्न आपको कभी भी देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि भाई ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से नफरत करता है, इस कंपनी के अंदर कभी भी आते हुए देखना नहीं चाहता खुद को। और मेरे ख्याल से मैं इनके बात को एग्री भी करता हूँ, इन्होंने जो भी डिसीजन बनाया मेरे ख्याल से इनके लिए सबसे बेस्ट है भाई। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा कमाल का सवाल मोटिवेशन के तरफ से निकल कर सामने आया, जिनका सवाल है कि भाई एटीट्यूड आ रहा है हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से क्यों नहीं देखने को मिलता। भाई मैं आपको इस सवाल का जवाब मैं आपको सिर्फ एक लाइन में दूंगा, आप लोग सारे लोग समझ जाओगे, सिर्फ मैं एक लाइन में देने वाला। भाई उसका जवाब है कि भाई आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ना ही विंस मैकमैन है ना ही स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे कितना भी कोशिश कर ले पर वो दूसरा स्टोन कोल्ड दूसरा विंस मैकमैन कभी भी ला नहीं सकते। एटीट्यूड एरा के टाइम पर विंस मैकमैन वो रेसलर था जिनका हील कैरेक्टर इतना भयंकर वाला था, मतलब उतना बेस्ट हील कैरेक्टर कोई निभा ही नहीं सकता। स्टोन कोल्ड को लेकर ऑडियंस के बीच में इतना पागलपन था कि उतना बड़ा फैन बेस किसी भी रेसलर का कभी बन नहीं सकता। देखो स्टोन कोल्ड इतने महान रेसलर थे कि भाई मैं चाहे जितना भी बोलूं मैं इलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा इनके बारे में। लोग बस ये समझो कि ये बंदा को 20 साल हो चुका है रिटायर हुए, उसके बावजूद भी मर्चेंडाइज सेलर में टॉप 5 लिस्ट में बैठा हुआ रहता स्टोन कोल्ड। आप लोग समझ सकते हो कोई रेसलर इतना पॉपुलर कैसे हो सकता जो कि रेसलिंग के उसको 20 साल छोड़ा हुआ हो गया, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा कपड़ा बेच रहा है, ड्रेस बेच रहा है। भाई मे बी आप लोग सारे लोग समझ सकते हो मतलब कितना कमाल का स्टोरी उस टाइम पर होता था, डब्ल्यू वाले करेंट टाइम में कर ही नहीं सकती। पहले के टाइम पर स्पेशल रेफरी का काफी ज्यादा मैचेस होता था, करेंट टाइम में नहीं हो रहा है। पहले के टाइम पर बहुत सारे मैचेस के अंदर रूल डाले हुए होते थे कि ये हेलिना सेल मैच है, ये मतलब नॉन डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, मैच नो होल्ड्स बार है, इसके अलावा बहुत सारे मैचेस हुआ करते थे भाई। पर करेंट टाइम में डब्ल्यू वाले कुछ नहीं कर रही है। इस एरा में जो जो चीज हमें देखने को मिला, जितना हमें ब्लड देखने को मिला, जितना कमाल का हमें रेसलिंग देखने को मिला, जितना कमाल का हमें प्रोमो देखने को मिला, वो चीज फिर कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि भाई वो रेसलर फिर से आने नहीं वाले। लोग समझ गए होंगे हमें एटीट्यूड एरा इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि विंस मैकमैन दोबारा नहीं आ सकता, स्टोन कोल्ड दोबारा नहीं आ सकता। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जरीर गेमर के तरफ से निकल कर सामने है, जिनका सवाल है कि क्या रसलमेनिया 43 के अंदर रोमन रेंज अपना चैंपियंस बेल्ट को हार सकते हैं। तो यार देखो रसलमेनिया 43 आप लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया, मेरे ख्याल से भाई रसलमेनिया 41 या फिर 42 के अंदर रोमन रेंज हार जाएंगे। देखो बात है कि रोमन रेंज स्टार्टिंग में 2 से 3 साल जब चैंपियन थे तो भाई ऑडियंस इनको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, पर अब करंट टाइम में रोमन रेंज का भाई जो हरकत है इनका, मतलब अब करंट टाइम में ऑडियंस बोर होना शुरू हो गया। भाई पिछला साल तो रोमन रेंज बहुत सारे कमाल के स्टोरी लाइन भी दिए थे, पर भाई इस साल रोमन रेंज ने बहुत सारे ड्रामा किए, आप लोग सारे लोग देखे भी होंगे। तो भाई मेरे ख्याल से मैं आपको मॉर्निंग में बताता हूं कि अभी 50% लोग ऐसा चाहते कि रोमन रेंज हार जाए, 50% चाहते कि मतलब रोमन रेंज चैंपियन रहे, और ये रेशियो मेरे ख्याल से रसलमेनिया 41 आते आते तक बहुत ज्यादा गिर जाने वाला, रोमन रेंज को ऑडियंस से हेट करना शुरू कर देगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑडियंस के वजह से चलता, ऑडियंस जो चाहेगी वही होगा, इसलिए रोमन रेंज शायद हार भी सकते हैं रसलमेनिया 41 या फिर 42 के अंदर। 43 तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब भाई 6 साल तक मतलब कोई बंदा कैसे चैंपियन रह सकता है, मैं मतलब बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। मेरा सब्सक्राइबर कमेंट करते कि भाई जब मैं 6th क्लास में था तब रोमन रेंज चैंपियन था, आज मैं 9th क्लास में हूं फिर भी रोमन रेंज चैंपियन है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब मैं 12th क्लास में चला जाऊंगा तब भी रोमन रेंज चैंपियन ही रहेगा। भाई ये थोड़ा सा फनी चीज है, ऑडियंस अब धीरे धीरे बोर होना भी शुरू कर देगी रोमन रेंज से, मुझे ऐसा लगता है यार पर्सनली। तो देखते हैं यार जैसा वक्त आएगा डब्ल्यू वाले उस तरीके से डिसीजन लेगी, पर हाँ रसलमेनिया 43 बहुत ज्यादा हो जाता है। वैसे भाई अभी 1 month तक ऐसे Q&A वीडियो चलने वाला था, अगर आपका अगर कोई सवाल है तो भाई सारे लोग अपना सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। लोग को भी अपने भाई से बात करना, सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, पर सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी